जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंग बली हनुमान। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं हम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेऽहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदांश गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद श्री रामचंद्र रघुपुंग राज वर्या राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवतः शरणो गतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली हनुमान की, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माता, जय सिया राम। तो अभी तक हमने क्या किया है, रामचरितमानस कथा में श्री राम जी भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर आगे चलते हैं वन की तरफ, और भरद्वाज मुनि दो पुरुषों को उनके साथ भेज देते हैं उनकी सहायता के लिए आगे। यद्यपि भगवान ने मना किया था तो भी उन्होंने स्नेहवश दो पुरुषों को साथ में भेज दिया। तो जहाँ जहाँ पर उनके चरण पड़ते उस जगह को ऐसा कहा जाता मानो इंद्र की अमरावती पुरी भी उसके जैसी नहीं है। जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते वहाँ पृथ्वी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं कल्प वृक्ष भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। जिस तालाब में प्रभु स्नान करते हैं वो तालाब अपने आप को परम पवित्र परम सौभाग्यशाल परम सौभाग्यवान समझता है। तो आगे अब छाह कर ही घन विभुतगन वर्ष ही सुमन सिहा ही देखत गिरिबन बिहग मृग रामू चले मग जाहीं। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिखाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निकस ही जाई सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी चल ही तुरत गृह काजू बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिया रूप निहारी पाई नयन फलु हो ही सुखारी सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरनी न जाई दशा तीन केरी लही जनु रंकन सुरमणि ढेरी एकन्ह एक बोली सिख देही लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती मानो दरिद्रों ने चिंता मणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। अब किन की बात हो रही है, ये जिस गांव के आसपास प्रभु जाते हैं उस गांव के सभी लोगों की बात हो रही है। राम ही देखी एक अनुरागे चित्तवत चले जाहीं संग लागे
एक नयन मग छवि उर आनी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय मिलाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है, मतलब वो प्रभु के ही वश में आ जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल त्रिनपात, कहीं गवाई छिनुकु श्रमु, गवनब अब ही की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर महानरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। यानी कि पेड़ पौधे भी उनकी प्रतीक्षा करते हैं, वो उनको भी उनसे काफ़ी स्नेह है। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अंचैया नाथ कहि मृदुबानी, सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी, श्रमित सिय मन माही, घरीक बिलंबु किन बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। तो श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया, क्योंकि बड़ ने प्रार्थना की थी कि मेरे नीचे आप विश्राम कीजिए। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं, अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहही चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टक टकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर यानी कि श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भावते जी के, मुनिपट कटिन कसे तुनीरा, सोहही कर कमल नी धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं, वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर लसत सवेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। अब इसमें प्रभु के शरीर के पसीने की बात की गई है। वास्तव में जब प्रभु विष्णु रूप में अवतार लेते हैं, अवतार नहीं लेते, विष्णु रूप में खुद को एक्सटेंड करते हैं, तब क्या होता है, जो उनके विष्णु जी के, कौन से विष्णु, महाविष्णु, तीन तरह के विष्णु होते हैं, महाविष्णु, उनको कारणोदक शाही विष्णु भी बोलते हैं, और गर्भोदक शाही विष्णु, और क्षीर सागर में जो लेटे हैं क्षीर सागर में विष्णु। तो उन तीन विष्णु में जब महाविष्णु के शरीर से पसीने की बूंदें टपकती हैं, तो वो बूंदें असंख्य ब्रह्मांड बन जाती हैं। जो हमारा पसीना होता है, हमारा क्या होता है, हमारा तो शरीर की गंदगी कह लो जो अंदर से निकलती है, सफाई होती है शरीर की, पर जो महाविष्णु है उनके शरीर से जो पसीना निकलता है उसके असंख्य ब्रह्मांड बन जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे श्री रामचंद्र के पसीने की बूंदों को बताया गया है कि वो शोभित हो रही हैं। एक्चुअल में वो भगवान, उनका शरीर दिव्य है, हम मनुष्य की तरह भौतिक शरीर उनका नहीं है, पर मनुष्य रूप में वो सिर्फ दिख रहे हैं। तो अवतारों ने मनुष्य रूप में लिया है, पर एक्चुअल में अभी भी उनका शरीर दिव्य ही है, तो उनके पसीने की बूंदें शोभित हो रही हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, किसकी बुद्धि थोड़ी है, जो इस बुक के रचयिता हैं, श्री राम तुलसीदास जी की कह सकते हैं हम, और भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जिसे कथा सुन रहे हैं उनकी भी बुद्धि कह सकते हैं हम, ये सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि थोड़ी है, हम उस चीज़ का इतना वर्णन नहीं कर सकते जो उनकी सुंदरता है दोनों भाइयों की। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं।
जय सिया राम। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष, इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लागहीं पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाएं। राजकुमारी बिन हम करहीं, तिया सुभाएं कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, यानी कि कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी, अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। यानी कि भगवान को फिर से उपमा दी जा रही है, यद्यपि कोई भी पदार्थ की उपमा भगवान से नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान इन सबसे ऊपर हैं। लेकिन हम मनुष्य तुच्छ होते हैं, हमें इतनी असीमित जानकारी नहीं होती भगवान के बारे में। भगवान के बारे में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही जानते हैं, कोई देवता भी उनके बारे में नहीं जान सकते। यहाँ तक कि शिव ने भी ये कहा है रामचरितमानस में ही कि उन्हें भी भगवान के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। तो इसलिए मनुष्य अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण तो किसी जो भी उनको अच्छी चीज़ लगती है उससे उपमाएँ देते हैं। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन, शरद सरबरी नाथ मुखु शरत सरोरुह नैन। श्याम और गौर वर्ण हैं, श्याम श्री राम का और गौर लक्ष्मण जी का। सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण सोलहवां विश्राम, नवहान परायण चौथा विश्राम। जय सिया राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहहु को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुसुकानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से, करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कराई। तिन्ही बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बाइनी। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु बिधु अंचल ढाकी, पियतन चिताई भोह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर बोहे टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरीछे नयनयनी, निज पति कहेउ तिन्ही सिंह सयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूती, रंकन राय राशि जन लूटी। तो सीता माता ने अपनी भूमि टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाया परी, बहु विधि देही आशीष, सदा सुहागिनी होहु तुम जब लगी मही असी अहिशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे,
तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति ब्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु, पुनि पुनि बिन्य करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि आप जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिया सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदनी कुमुदी पोषी। कि जब आप इस रास्ते से वापिस लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछेउ मगुर लोगन ही मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने, समूझी कर्म गति धीरजु कीन्हा, सोधी सुगम मगु तीन कही दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु किन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लुटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, दयाही दोषु देही मन माही, सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब अहही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं, वो विधाता को ही दोष देने लग जाते हैं, ऐसा अज्ञानता के वश होता है। निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि ससिकिन सरुज सकलंकु, रुख कल्पतरु सागरु खारा, तेहि पठाए बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश यानी कि स्वतंत्र है, निर्दयी है और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया। रोगी का मतलब घटने बढ़ने वाला बनाया। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै इन्ह ही दिन बन बासु, किन्न बादि विधि भोग बिलासु, ए विचर ही मग बिनु पत त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। वाहन नाना, जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन यानी कि सवारियां व्यर्थ ही रचते हैं। ए मही पर ही डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरु बरबास इन्ह ही विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रमुकीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर भी मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो एक अंद मूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही, एक कहही ए सहज सुहाए, आपु प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं वे स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सुंदर माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। तो अब जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सब ये कहते हैं कि जो भोग के लिए भगवान ने चीज़ें बनाई हैं, पदार्थ बनाए हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, रहने के लिए बड़े बड़े महल हो गए और पैरों में पहनने के लिए चप्पल जूते, जो भी विधाता ने बनाई हैं चीज़ें, अगर ये युवक और इनकी भार्या अगर इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते तो भगवान ने फिर ये बनाया ही क्यों है, तो वो भगवान को ही दोष देने लगते हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असि नारी।
हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं। अब हमारे 14 लोक होते हैं एक ब्रह्मांड में। जैसे महाविष्णु के शरीर से जो पसीने निकलता है, उसकी बूंदों से जितनी बूंदें होती हैं उतने ब्रह्मांड बन जाते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के 14 लोक होते हैं। पृथ्वी उन 14 के बीच में आती हैं। 6 पृथ्वी से ऊपर होते हैं और 7 पृथ्वी के नीचे होते हैं। ऊपर हम चलते जाते हैं, ब्रह्मलोक आता है और शिवलोक भी आता है। उससे ऊपर विष्णु का लोक आता है। विष्णु से ऊपर साकेत लोक आता है। साकेत के बाद गोलोक वृंदावन। तो हमारा जो उद्देश्य होता है गोलोक वृंदावन का होना चाहिए। एक्चुअल में गोलोक वृंदावन का या साकेत धाम का उद्देश्य होना चाहिए। तो लोग क्या कह रहे हैं कि जितने ये 14 लोक होते हैं, उन 14 के 14 लोकों में आप देख लीजिए कहीं पे राम सीता जैसी और लक्ष्मण जैसी, इन तीनों जैसे कोई कहीं पे नहीं मिलेंगे स्त्री पुरुष। इन्हें ही देखी विधु मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, किन बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्ष्या बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। अब लोग कह रहे हैं, मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं कि विधाता ने जब इनको बनाया तब उन्होंने देखा कि इनके जैसे सुंदर और कोई नहीं है, मैं और भी बनाऊं। तो विधाता ने काफ़ी कोशिश की कि इनके जैसे सुंदर स्त्रियां पुरुष और बनाएं, पर उनसे बन नहीं पाया। जब उनसे बन नहीं पाए तो उन्होंने क्रोध में आकर इन्हें जंगल में भेज दिया। ऐसा लोग क्रोधवश बोल रहे हैं। एक कहीं हम बहुत न जानहीं, आप ही परम धन्य करी मां नहीं, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहीं देखी हही जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जितने जहाँ पे भी प्रभु जाते हैं उससे पहले लोगों ने उनको नहीं देखा होता, तब भी उनका उनके प्रति, श्री राम के प्रति इतना प्रेम कैसे बन जाता है? इसका कारण यह है कि हम एक उदाहरण स्वरूप लेते हैं, हम मंदिर में जाते हैं जब भी, तो एकदम से एक पॉजिटिव एनर्जी हमें दिखती है वहाँ पे कि यहाँ पे आके शांति मिली है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है विग्रह में, और वहाँ पे उनकी आरतियाँ होती हैं, प्रसाद बंटता है। तो जहाँ पे भगवान होंगे वहाँ पे हमारी पॉजिटिव एनर्जी होगी, और श्री राम तो स्वयं भगवान हैं। जहाँ पे भी वो जाते थे उनकी शरीर की कांति, दिव्य शरीर उनका आकर्षित, इतना आकर्षण हो जाता है सबको कि सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं, और एक वाइब्रेशन है उनमें पॉजिटिव एनर्जी। खुद ही भगवान है वो, जब खुद भगवान आके कहीं पे भी जाएंगे तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे, और स्वभाव से ही उनके प्रति उनका प्रेम हो जाता है। और ये तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य योनि में हो या किसी भी योनि में हो, भगवान का ही एक अंश है। भगवान परमात्मा, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा, जो जिससे ऊपर कोई आत्मा नहीं है, वो परमात्मा है और उन्हीं के सभी अंश हैं। तो जो उनके अंश हुए तो स्वाभाविक है कि उनसे प्रेम सबको है। तो आगे, यही विधि कही कही बचन, प्रिय लेहि नयन भरी नीर, किमी चली हही मारग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। सबके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। और एक और उदाहरण लेते हैं, जब माता का पुत्र होता है, चाहे वो बचपन में बिछड़ गया हो, कई साल बाद भी जब वो 20-25 साल बाद बड़ा हो गया, तब माता उसको पहचानती नहीं है। हालांकि पुत्र उसको पहचान सकता है माता को, माता का चेहरा नहीं बदलता, पुत्र का बदल जाता है, लेकिन माता तब भी अपने पुत्र को एक एहसास, उसको पता हो जाता है कि ये मेरा पुत्र है, तो ऑटोमेटिकली उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उसी तरीके से हम सभी भगवान के बच्चे हैं, भगवान पिता हैं हमारे, श्री राम श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। तो जैसे ही हमें उनकी अनुभूति होती है तो स्वभावतः ही प्रेम अश्रु आने लग जाते हैं। वैसे ही इन लोगों के साथ में हुआ, यद्यपि इन्होंने इनको पहले नहीं देखा, श्री राम को पहले नहीं देखा, पर तब भी उनका संबंध है, उनके अंश हैं सभी, तो उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु आ जाते हैं।
नारी स्नेह विकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदुपद कमल कठिन मृगु जानी, मगु जानी गह बरी हरिद्या कहीं बरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हरिद्या से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमी हरिद्या हमारे। जो जगदीश इन्ह ही बनु दीन्हा, कस न सुमन मय मा रघु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें यदि इन्हें वनवासी दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाई अभिधि पाही, ए रखिया ही सखी आखी न माही। जे नर नारी न अवसर आए, तीन सिया रामु न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को देख नहीं सके। सुनी स्वरूप बूझहीं अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फलु पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर मिजही पछिताही, हो ही प्रेम बस लोग इमी रामु जहाँ जहाँ जाही। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियाँ बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाम गाम अस होई आनंदू, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनी पावही, ते नृपरानी ही दोसु लगा वहीं। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। तो उनके दर्शन करके सब खुश हो रहे हैं। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। किनको? दशरथ और कैकेयी माता को। कहीं एक अति भल नर नाहू, दिन हम ही जोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्या जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊँ, जहाँ जहाँ जाही धन्य सोई ठाऊँ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। अब सभी लोग तो ऐसा स्नेहवश बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सब जगह धन्य है जहाँ पे भगवान होते हैं। क्यों धन्य है? क्योंकि उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए होते हैं और भगवान की आराधना की होती है, तब जाकर भगवान उनके आसपास अवतरित होते हैं। सुखु पायऊ बिरंची रचिते ही, ए जही के सब भांति स्नेही। राम लखन पथी कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एही विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, चाहे चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे रामू लखनऊ बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुद्ध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। रति कौन है? कामदेव की पत्नी।
फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। बुध कौन है? चंद्रमा के पुत्र, यानी कि पुत्र और पिता के बीच में उनकी माता सो रही हो, ऐसा लगता है। अब श्री राम को यहाँ पे चंद्रमा बताया गया है और लक्ष्मण को बुध बताया गया है, सीता माता को रोहिणी बताया गया है, मतलब उनकी उपमा दी गई है। प्रभुपद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चल ही मगु दाहिन लाए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रही हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमी कही जाई, खग मृग मगन देखी छबि होही, लिय चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंदु तेई बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। तो कौन सा मार्ग? जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहू जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहू लखनु सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कब हूँ मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोहियाँ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तहां बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहां ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। अब वाल्मीकि जी कौन है? जिन्होंने रामायण कथा लिखी थी। रामायण एक्चुअल में जो स्टोरी है, जो कथा है, वो होने से पहले ही उन्होंने लिख दी थी। भगवान उनको उनके मन में ऐसा भाव दे रहे थे कि आगे क्या होगा और आप ऐसा लिखिए, तो वाल्मीकि जी ने ये सब बातें होने से पहले ही लिख दी थी। तो उन वाल्मीकि जी के आश्रम में अब श्री रामचंद्र जी पहुंच गए। सरनी सरोज बिटप बनु फूले, गुंजत मंजु मधु परस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर कुंजार कर रहे हैं। ऐसा आश्रम के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि आश्रम कितना सुंदर है। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमो निरखी, हर्षे राजी वनेन, सुनि रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयउ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादु भी प्रबर दिन्हा, देखी राम छबि नयन जुड़ाने, करी सन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया, विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए, सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि वर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने
प्राण प्रिय, जो उनके प्राणों के प्रिय हैं, अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रावण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जे ही भांति दिन बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। और अब श्री राम जी कैकेयी माता की कथा क्यों सुना रहे हैं वाल्मीकि जी को? क्योंकि श्री राम जी, पहली बात तो यह कि कैकेयी माता को दोषी नहीं मानते, ये तो उनकी ही मिली भगत हम कह सकते हैं कि उनका वार्तालाप पहले ही हो चुका था कैकेयी माता से कि आप मुझे वन में भेजिए। और श्री राम को पता है कि वाल्मीकि जी को ही वो खुद आज्ञा दे रहे हैं मन की तरंगों से कि आप मेरी ये कथा लिखिए, होने से पहले ही वो लिख देते थे। इस वजह से श्री राम जी और वाल्मीकि जी वार्तालाप करते हैं। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सबू, मम पुण्य प्रभाऊ। और कहा, हे प्रभो, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाया मुनि राय तुम्हारे, भाई सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउ राय असु होई, मुनि उद्वेगु न पावई कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त तो न हो। मुनि तापस जिनते दुहुलहि, ते नरेश बिनु पावक दहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भुसुर रोषु। क्योंकि जिन से मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिया जानी कही यह सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, तहां रुचि रुचिर परन त्रिनशाला, बासु करों का चुकाल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, यानी कि रक्षण करते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, वेद भी भगवान के बनाए हुए हैं। हमें क्या ज्ञात है? हमें ये ज्ञात है ना कि वेद व्यास जी ने वेद बनाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वेदों के बारे में जो ज्ञान है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया था, उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास को दिया था, तब वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहज सीसु अहिसु, मही धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरी नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वर उपभूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। तो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सीता माता को बता रहे हैं कि पूरी जगत का सृजन करती हैं, पालन करती हैं और संहार भी करती हैं। अब हम कहते हैं ना कि माता ने सब कुछ बनाया है, तो माता एक्चुअल में कौन है? राधा माता या सीता जी जो है, इनकी शक्तियों का आगे विस्तार हुआ है। पार्वती जी के रूप में, दुर्गा के रूप में, जितनी माताओं को हम जानते हैं, इन्हीं की शक्तियों से आगे विस्तृत हुई हैं।
इसीलिए हम यह कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि इन माता ने सृष्टि बनाई, पालन किया और संहार किया। कैसे? प्रभु के रुख पाकर, प्रभु की आज्ञा जानकर, बिना उनके कहे ही। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेउ न जानहि मर्मु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। आज हमने चर्चा की थी कि शिव ने भी खुद श्री रामचरितमानस में ही कहा है कि उन्हें सभी कारणों का नहीं पता कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। और प्राय हम ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान हैं, लेकिन श्री राम को यहाँ भगवान कहा गया है। और श्री राम ही अपने शरीर का विस्तार करते हैं, या कृष्ण हम कह सकते हैं, कृष्ण और राम एक ही हैं। वो अपने शरीर का विस्तार करते हैं। सबसे पहले वो अपने शरीर का विस्तार करके राधा माता बनाते हैं, या श्री राम के लिए सीता जी बनाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर जो पहला पुरुष अवतार उनका होता है, वो बलराम जी के रूप में होता है। तो जो माता सीता हैं, उसके बाद या राधा जी कह सकते हैं हम, उनसे फिर अनेकों माताएं प्रकट होती हैं, जिनको हम जानते हैं, पार्वती माता, दुर्गा माता, शेरावाली, लक्ष्मी जी, सभी उनसे अवतरित होती हैं आगे। और आगे जो भगवान के पुरुष अवतार होते हैं, वो बलराम जी से आगे अवतरित होते हैं। ये कथा काफ़ी लंबी चली जाएगी, तो हम इसका संक्षेप में ऐसे बता रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि महाविष्णु के पसीने से अनेकों ब्रह्मांड बन जाते हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड बनते हैं, हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश होते हैं। तो भगवान उन सब से भी परे हैं। भगवान की आज्ञा से ही महाविष्णु के पसीने से असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका मर्म नहीं जानते, तो आपको जानने वाला और कौन है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुम हई होई जाई। तुम हरि ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानही भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। तो महाविष्णु क्या करते हैं, अपने पसीने से असंख्य ब्रह्मांड बनाते हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर फिर गर्भोदक शायी विष्णु प्रवेश करते हैं। गर्भोदक शायी विष्णु अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा भी हैं और विष्णु भी हैं। उसके बाद शिरोदक शायी विष्णु आते हैं, जो हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान विद्यमान है, वो भगवान शिरोदक शायी विष्णु के रूप में विद्यमान है। हर एक प्राणी, चाहे वो सर्प हो, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सबके हृदय में भगवान शिरोदक्षाय विष्णु हैं, जो एक अंगूठे के आकार में रहते हैं। हर एक सबके हृदय में उन्हीं को कहा जाता है कि कण कण में भगवान विद्यमान है। तो तीन तरह के विष्णु होते हैं। इसी तरह हर ब्रह्मांड के विष्णु महेश ब्रह्मा अलग अलग होते हैं। और हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, हमें तो सिर्फ उसी के बारे में पता है। हमारे जैसे कौन सा ब्रह्मांड है हमारा, 14 लोकों वाला, जिसमें ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी अलग अलग होते हैं, जिनके अनेकों मुख भी हो सकते हैं। कहीं पे 2 मुख होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं, कहीं पे 8 होते हैं, 16 मुख भी होते हैं, 1000 मुखों वाले ब्रह्मा भी होते हैं। हमारा काम 4 मुख वाले ब्रह्मा जी से चल जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान श्री राम को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, चिदानंदमय, चित्त आनंदमय, यानी कि आनंद कंद है प्रभु श्री राम। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है।
यानी कि जो हमारा शरीर है वो भौतिक है, जो प्रकृति के तीन गुणों से बना है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है जो इन गुणों से परे हैं और उत्पत्ति नाश और वृत्ति क्षय आदि सब विकारों से रहित हैं, भगवान अजन्मा है। तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसा कहा है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी कि भगवान कृष्ण या श्री राम कह सकते हैं, वो ही परम भगवान है, परम भगवान यही हैं, उनका चित्त आनंदमय है, सभी कारणों के कारण वो हैं, सबके आदि वो हैं, उनका कोई अनादि कोई अंत उनका नहीं है। तो यही यहाँ पे बताई गई है बात कि वो उत्पत्ति नाश वृत्ति और क्षय से परे हैं। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। आज इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय श्री राम। सीता माता लक्ष्मण जी की जय हो, जय बजरंगबली हनुमान की, जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय श्री गणेश, जय माता दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन।